अब देखिए शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, जहाँ से शिफ्ट हो रहा है उसको हम लोग डिस्चार्जिंग मान लेंगे, और जहाँ शिफ्ट हो जाएगा उसको हम लोग लोडिंग कर देंगे, ठीक है। इस प्रोसीजर में ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब उसका हम लोग निकालेंगे चेंज इन ड्राफ्ट ड्यू टू दिस ऑपरेशन इज देयरफॉर डिटरमाइंड इन टू स्टेप्स एज इंडिकेटेड बिलो। मतलब हम लोग दो पार्ट में करेंगे, पहले डिस्चार्ज करेंगे नंबर टू टू इंडेक्स से, फिर फोर टू इंडेक्स में हम लोग लोड करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। वैसे है ये बहुत लंबा प्रोसीजर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बट है बहुत ही ईजी। अब देखिए यहाँ पे नंबर टू टू इंडेक्स की हमें LCG निकालनी पड़ेगी टेबल से देख के। पहले आपने देखा होगा 99.5 जो दिया था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखी थी, बट अभी इस वाले पार्ट में नहीं दी हुई है जहाँ पे शिफ्ट कर रहा नंबर टू टू इंडेक्स की। तो हम लोग उसकी जो है LCG टेबल से लेंगे। टेबल लेने के बाद वही सेम है मिडशिप जहाँ पे है उससे माइनस कर देंगे, तो कितना मिडशिप से आगे डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स एक्चुअल में तो शिफ्ट हो रहा है बट डिस्चार्ज हम लोग कंसिडर करना है। तो हम लोग माइनस करके दिखा देंगे कि मिडशिप से कितना दूर वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर वो सेम वही प्रोसेस है, 5 मीटर ड्राफ्ट पे फॉरवर्ड पहले देखेंगे, और ये जो हमारा आया 32.33 से कितना वो है उस तक करके हम लोग 5 मीटर ड्राफ्ट पे हम लोग देख लेंगे ये 32.33 पे कितना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 5 मीटर मेन ड्राफ्ट दिया हुआ है, इस पर हम लोग जाएंगे पहले फॉरवर्ड का हम लोग केस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टू टू इंडेक्स की बात हो रही है। तो फॉरवर्ड की कितना था, 32.33 था, तो मतलब 32.33 30 फॉरवर्ड और 33 फॉरवर्ड के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग जो है इसको पहले ये फॉरवर्ड वाला कॉलम में जाएंगे, कॉलम में जाके 12.8 और इसका 13.7 लेके फिर हम लोग जो है इंटरपोलेट करके जो है 32.33 पे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर से हम लोग 7 मीटर मेन ड्राफ्ट पे निकाल के हम लोग फिर 32.33 पे इंटरपोलेट करके निकाल देंगे, ठीक है। फिर हमें वही याद रखिए, फिर वही मिडशिप ड्राफ्ट की बात कर रहा है, मिडशिप ड्राफ्ट पे हम लोग फिर निकालेंगे 5 मीटर और 7 मीटर पे इंटरपोलेट करके, क्योंकि हमारा जो मिडशिप ड्राफ्ट है 5.99 मीटर है, तो हमें 5 और 7 मीटर पे जो हम लोग बार बार वैल्यू निकाल रहे हैं उसको इंटरपोलेट करना बहुत ज़रूरी है, वो बात आप याद रखिएगा, हर बार आपको करना है। और फिर देखिए 70 जो टन जो डिस्चार्ज हो रहा है, मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले में वाले में 120 था, और अब देखिए 70 टन जो है अब यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स शिफ्टिंग हो रही है, बट एक्चुअल में डिस्चार्ज की तरह हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करके हमने फिर निकाला। अब जैसे फॉरवर्ड का केस हमने लिया, अब हम लोग का बात करेंगे आफ्ट की, वो ड्राफ्ट के निकालने के लिए केस बात करेंगे, ठीक है। देखिए 5 मीटर ड्राफ्ट पे 30 फॉरवर्ड और 33 वाले पे देखेंगे हम लोग इसमें कितना है, ये 30, और देखिए आफ्ट वाले कॉलम में जाएंगे इसमें से ये ले लेंगे, और सेम वही सेम 7 वाले में 7 मीटर मेन ड्राफ्ट वाले में हम लोग जाके 30 और 33 का आफ्ट वाला एरिया हम लोग ये देख लेंगे, 3.7 और 4.5 ले लेंगे। तो इस तरह हम लोग जो है इसके जो है हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और हर बार जो है उसको लेकर आना है 5.99 मीटर ड्राफ्ट पे, और सेम वही करना है 70 टन की वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकाल देंगे। तो ये जो ड्राफ्ट आया है आफ्ट का और इधर आया है जो फॉरवर्ड का, ये मैं बाद में करूँगा, मैंने इसको एक को नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो 4 ट्विन डेक में जो शिफ्ट होकर जा रहा है तो उसको लोडिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 4 ट्विन डेक का मैंने मिडशिप से निकाला है सेम कि कितना है आफ्ट ऑफ मिडशिप्स, तो 14.14 आया है, जैसे कि LCG 4 ट्विन डेक का 57.44 है, और जो अपना मिडशिप है 71.58 उससे माइनस करके मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। मिडशिप से याद रखिए, बार बार मिडशिप से ही आपको करना है, मिडशिप से इसका पूरा कैलकुलेशन है, ठीक। अभी 5 मीटर ड्राफ्ट पे सेम वही प्रोसीजर करना है, 5 मीटर ड्राफ्ट पे ये जो है ये जो 14.14 है, तो 5 मीटर मेन ड्राफ्ट पे जाके हम लोग उसी ट्रेबल से देख लेंगे, और फिर 14.14 पे हम लोग इंटरपोलेट करके ये निकालेंगे। उसी तरह सेम 7 मीटर मेन ड्राफ्ट पे जाके फिर हम लोग 14.14 पे जाके हम लोग उसकी वैल्यू इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका जो साइन है वही साइन आप यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप साइन जो दिया हुआ है आपके ट्रिम टेबल में वो यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू गलत आ जाएगी। तो पूरा साइन के साथ आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू एकदम एग्जैक्ट मिलती चली जाएगी, और लास्ट में जो भी आएगा, अभी देखिए पहले मैंने फॉरवर्ड के लिए किया था, अब आफ्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, सेम वही तरीका है, 5 मीटर 7 मीटर फिर 5.99 पे फिर मैं निकाल लूँगा, ठीक है। और फाइनल ड्राफ्ट फिर निकालूंगा मैं फॉरवर्ड एंड आफ्ट की, वो बाकी जितने मैंने 1 2 मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये जो एक आया है ये 3 इसको मैंने मान लिया,
और ये फॉरवर्ड केस का है। जब आफ्ट केस की बात करें उसको मैंने 4 मान लिया, और इस केस से जो मैंने मैंने फाइनल ड्राफ्ट निकाल लिए। ठीक, तो फ्रेंड्स आपने देखा कैसे हम निकालेंगे फाइनल फॉरवर्ड एंड हाफ ड्राफ्ट। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप एक बार या दो बार तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।